हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोड ब्लू के बारे में। तो कोड ब्लू एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर बाहर नॉर्मल एक इंसान हैं, फिर भी आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोड ब्लू होता क्या है। ये जो टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और समझिए कि क्या कैसे होता है। कोड ब्लू एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक ऐसी आपातकालीन स्थिति है जो कि अस्पतालों में उसको मैनेज करने के लिए कोड ब्लू एक कोड बनाया गया है। इसको पूरे यूनिवर्स में माना जाता है, एक यूनिवर्सल कोड है ये। इसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा अटैक है जो कि जानलेवा होता है। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, तो कोड ब्लू का कोडिंग किया गया है। ठीक है, ये जो है कोड एक तरह का हॉस्पिटल अलर्ट है, हॉस्पिटल में एक्टिवेट करने के लिए। यानी अब कितने लोग को एक्सप्लेन करिएगा कि एक व्यक्ति है, उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, ये अरेंजमेंट करो, ये करो। इससे अच्छा है कि आप एक टर्म बोलिए जिसके बारे में सब जानते हैं, आपकी जो टीम है कोड ब्लू के अंडर में वो सब लोग जानते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है और जल्दी से सारी चीज़ें अरेंज भी हो जाएंगी, टाइम भी मैनेज होगा और इंसान की जान भी बच सकती है। तो कोड ब्लू आप समझ गए कि हॉस्पिटल्स में यूज होने वाला एक टर्म है जो इंडिकेट करता है एक मेडिकल इमरजेंसी को, एक ऐसे सिचुएशन को जिसमें विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ रखा है और सडन अचानक उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। हॉस्पिटल वाइड अलर्ट है, एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है टीम को। ठीक है, ये क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोड ब्लू को बनाया गया है। एक्टिवेशन पहला स्टेप है, जिसमें कि क्या होता है, जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट एक्सपीरियंस किया है, यानी जिस मरीज को कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, एक जानलेवा स्थिति है। तो हॉस्पिटल स्टाफ को सबसे पहले क्या कहा जाता है, तो कोड ब्लू करके बुलाया जाता है। कोड ब्लू वर्ड से ही वो समझ जाते हैं कि ऐसी कंडीशन है और हमें ये तैयारियां करनी हैं उस इंसान का जान बचाने के लिए। तो ये जो हमारा है, दिस ट्रिगर्स अ रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। इसके चलते क्या होता है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से एक टीम तैयार हो जाती है और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाता है और टाइम भी बचता है और बहुत जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है टीम एक्टिवेशन। पहला था एक्टिवेशन कि आपने बता दिया कोड ब्लू है, ठीक है। अब दूसरा है टीम एक्टिवेशन। प्री डिफाइंड टीम ऑफन कॉल्ड द कोड ब्लू और रैपिड रिस्पॉन्स टीम कंप्राइज्ड ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड अदर ट्रेंड पर्सनल रसेस टू द पेशेंट लोकेशन। यानी अब टीम को बुलाना जरूरी है, टीम को एक्टिव करना जरूरी है। इस टीम में कौन कौन होता है, तो डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ होते हैं जिसमें टेक्नीशियंस हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मेनली रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। तो उनको जल्दी से इस लोकेशन पर बुलाया जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा टीम एक्टिवेशन। इमीडिएट असेसमेंट अपॉन अराइवल, द टीम एवेल्युएट्स द पेशेंट कंडीशन, परफॉर्म्स नेसेसरी चेक्स एंड इनिशिएट्स लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। अब आप आ तो गए, अब खड़े होकर मुंह तो देखना नहीं एक दूसरे का, अब जल्दी से बिना ही एक सेकंड भी गवाए हुए आपको तुरंत स्टार्ट करना होगा प्रोसीडर। यानी समझना होगा कि मरीज की कंडीशन कैसी है, तो आप वाइटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो है कैन्यूलेशन वगैरह कर सकते हैं। जल्दी से सारे चेकअप्स करने के बाद आपको जो है अब तुरंत से चेक कर लिए, पल्स चेक कर लिए कैरोटिड आर्टरी से, उनका रेस्पिरेशन चेक कर लिए, कुछ भी नहीं है, मरीज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसके बाद आपको CPR स्टार्ट करना है, यानी कार्डियो पुलमनरी रिससाइटेशन। अगर पेशेंट्स का हार्ट जो है काम करना बंद कर दे पूरी तरीके से, तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, दिमाग में खून जाना बंद हो सकता है। अगर ये ज़्यादा देर तक हुआ, तो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं, जो ब्लड वेजल्स हैं, वो इरिवर्सिबली डेथ हो सकता है उसका, यानी वो दोबारा फिर से नहीं जिंदा होगा, वो अब डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। ब्रेन के कुछ टिश्यू मर सकते हैं और ब्रेन डैमेज हो सकता है, जो कि इरिवर्सिबल है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जब हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे, तो इसके लिए करते हैं CPR, कार्डियो पुलमोनरी रिससाइटेशन, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। इस पर मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है,
तो आप इसे अच्छे से उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो CPR स्टार्ट कर देना है। CPR इसलिए करते हैं ताकि मरीज के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए। और ये कैसे करते हैं, तो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, चेस्ट यानी छाती पे अपने हाथों से प्रेशर देते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ होता है और लगभग 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में देते हैं। और जो है वेंटिलेशन देते हैं, यानी 30 कंप्रेशन दिए तो 2 बार आपको मुंह से सांस देना है मरीज को। तो ये हमारा क्या है, तो CPR की टेक्निक है। CPR आपने स्टार्ट कर दिया, आपके पास डिफिब्रिलेशन है, डिफिब्रिलेटर मशीन है, इसमें आपका एडवांस में है AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसका यूज करना है और मरीज को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करना है ताकि मरीज का जो हार्ट है वो नॉर्मली काम कर सके, जो रिदम है, ठीक है, जो एक्टिविटी है हार्ट का वो नॉर्मल हो सके। इसीलिए अब आपको डिफिब्रिलेशन करना है डिफिब्रिलेटर के हेल्प से। दूसरा, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेडिकेशन एंड इंटरवेंशन। अब आपने CPR दे दिया, डिफिब्रिलेटर का यूज कर लिया, तो डिफिब्रिलेटर का काम आपने जाना कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि मरीज के हार्ट का जो रिदम है वो नॉर्मल हो सके। अब ये सब तो कर लिए, अब आपको मेन जो है करना क्या है, तो एयरवे मैनेज करेंगे ही, तो इसके लिए इंट्यूबेशन कर देंगे, क्योंकि CPR आप दे दिए उससे तो उतना मैनेज हो नहीं पाएगा। अब आपको इंट्यूबेशन करके मरीज को स्टेबल भी तो करना है, तो ET ट्यूब यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब या फिर आर्मर ट्यूब को इंसर्ट कर देना है, या फिर LMA लैरिंगियल मास्क, एयरवे या IGL, ये चारों में से आप कुछ भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको जो है दवाइयाँ दे देनी है, जिसमें नॉर्मली एडर्नेलिन देते हैं, एट्रोपिन वगैरह देते हैं, ये सारी सिचुएशन में मेडिकल इमरजेंसी में नाइट्रोग्लिसरीन, एमियोडेरोन, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं कार्डियक, तो डॉक्टर्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग मरीज को ये सब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोसीडर में आता है, ठीक है, यानी कि आप CPR दे दिए हैं, डिफिब्रिलेटर का यूज कर लिए हैं, मेडिकेशन दे ली हैं, अब आप मरीज को स्टेबल करना है, ठीक है, मरीज ताकि अब सही से हो जाए, ठीक है, अगर उसका रिवाइव हो गया है, मरीज अब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, तो अब मरीज़ को एडवांस क्या करना है, तो एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड डीब्रीफिंग, यानी कि आपने जितने भी प्रोसीडर किए हैं उसको मेंशन करना होगा ताकि अब मरीज का पहले की सिचुएशन से अभी की सिचुएशन को कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, और वो रिकॉर्ड रहेगा तो मरीज का ट्रीटमेंट करने में आसानी होगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, और आपने जो भी इवेंट्स किए हैं, जो भी आपने किया है कोड ब्लू के दौरान, तो वो भी पेशेंट के रिकॉर्ड शीट में मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आप समझ गए। After the event, a debriefing often occurs to analyze the response and identify areas for improvement. यानी कि अब आपको समझना होगा कि मरीज को क्या दिक्कत थी, किस तरीके से उसे हैंडल किया, और आगे किस तरीके से मरीज को और स्टेबल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अब मेडिसिन के थ्रू ही मैनेज करेंगे ताकि मरीज को दोबारा कार्डियक अरेस्ट ना आए। कोड ब्लू प्रोसीडर आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग अ रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू सेव लाइव्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। कोड ब्लू एक तरह का वर्ड नहीं, किसी की जान बचाने के लिए एक ये किया गया एक्शन है, एक प्लान है, ठीक है। तो इसको कोई हल्के में ना लें, अच्छे से इस चीज़ को सर्च करें, पढ़ें, क्योंकि किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। आप हॉस्पिटल में ही हैं, मान के चलिए ठीक है हॉस्पिटल में है तो ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन आपके घर परिवार आसपास किसी को आ सकता है, और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो, सही तरीका पता हो, तो आप भी मरीज की जान जो है लगभग 50% बचा सकते हैं। और आप इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में होती हैं इमरजेंसी हेल्प, तो आप वहाँ से एम्बुलेंस बुलाइए, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और कोड ब्लू एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले मरीज को ट्रीट किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है ताकि उनकी जान को बचाई जा सके। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, इसके बारे में डिटेल में और सारी भी बहुत सारी वीडियोज हैं उसको सर्च करके पढ़िए, और किसी की जान बचाने में अपना योगदान दीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और अपना फीडबैक देना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना मत भूलिए कि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है या नहीं, क्या समझ में नहीं आता, क्या आपको
अच्छा नहीं लगता है पीपीटी में या फिर जो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, और जिस टॉपिक के वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर।